हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Redmi 12C में किस तरह से आप थीम अलग अलग मॉडल के चेंज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज जयसवाल, आप देख रहे हो टेक्निकल आरजेम। आपको आ जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में थीम के लिए और स्लाइड करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आ जाना है, नीचे आपको मिलेगा थोड़ा और स्लाइड करना है। उसके बाद आपको नीचे ये दिख रहा है थीम का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे थीम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें से आप जो भी थीम चाहिए आपको वॉलपेपर है, एक बार आप इसको एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल में थीम सेट हो जाएगा। या तो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस तरह से डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगा और सेट हो जाएगा। चलिए फिर से बैक करके सेटिंग में आ गए और थीम में आ गए। थीम में आ जाने के बाद आपको फिर से कोई डाउनलोड करके दिखाते हैं किस तरह से सेट हो सकता है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इस थीम को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा। ये फ़िलहाल डाउनलोड हो रहा है, अभी 80% हुआ, 90%, 100% कंप्लीट हो गया। फिर अप्लाई करना होगा आपको, अप्लाई फिर गो इट पे ओके करना होगा, फिर आपके स्क्रीन पे ये थीम सेट हो जाएगा। चलिए हमने गो इट पे कर दिया, ये फिलहाल सेट होना शुरू हो गया और हमारे मोबाइल की स्क्रीन में सिंपली सेट हो गया। एक बार और आपको अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा, फिर गो इट पे ओके करना होगा और फिर ये 63% हुआ, फिर अभी कंप्लीट हो गया। फिर आपको आ जाना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आके चेक कर लेना है ये सेट हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से देख लीजिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे थीम सेट हो गया, जैसे भी मैंने अभी इसको सेट किया हूँ। आगे फिर से चलते हैं मोबाइल के सेटिंग में और एक बार और आपको बताते हैं किस तरह से कहाँ पे आना है। आपको नीचे आके थीम के ऑप्शन में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे थीम और वॉलपेपर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सेट कर लेना है। एक और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके और आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल डाउनलोडिंग शुरू हो गया है, इस तरह से डाउनलोड हो रहा है और 59 हुआ। और फिर उसके बाद सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। फिर आप सीधा स्क्रीन पे आके देख सकते हो, ये मैं स्क्रीन पे आया, ये सेट हो गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।